नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। कानपुर में डीसीपी दक्षिण अंकिता शर्मा के निर्देशन में पूर्व में हुई पर्स लूट का पुलिस ने किया खुलासा। थाना बाबूपुरवा के बगाही क्षेत्र और थाना नवस्था के विराट नगर अंतर्गत लुटेरों ने दिया था पर्स लूट की घटना को अंजाम। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट का सामान और लूट में इस्तेमाल करने वाली मोटरसाइकिल बरामद की है। शातिर लुटेरे कार्तिकेय राय उर्फ गप्पू हर्ष पांडे को पुलिस ने दबोचा है। शातिर लुटेरों के ऊपर दर्ज है आधा दर्जन के करीब मुकदमे। लुटेरों को पकड़ने में बगाही चौकी प्रभारी गौरव कुमार, चौकी प्रभारी एनएलसी विमल प्रताप सिंह, उप निरीक्षक आफ्ताब चौहान की रही अहम भूमिका। दिनांक 11/10 को जनपद कानपुर नगर के थाना नौबस्ता क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जो बाइक से जा रही थी, उनके पीछे दो स्नैचर, दो लुटेरे टाइप के आदमी जो R15 से जा रहे थे, उन्होंने उनके हाथ से पर्स छीन लिया। पर्स में एक मोबाइल और उनके कुछ रुपए, एक चेन और अंगूठी थी। ठीक उसके थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, इन्होंने थाना बाबूपुरवा में एक महिला से पर्स स्नैचिंग की। उनके पर्स में एक मोबाइल, कुछ कागजात और उनकी आईडी थी और ये चेन पर्स स्नैच करके भाग निकले और उनकी सूचना पर थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया और दोनों थानों से दो दो टीमें बनाई गई और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस की मदद से इन्हें ट्रेस आउट करके इन्हें गिरफ्तार किया गया है और घटना में जो चीज़ें गई थी वो बरामद हो गई है। चेन और कुछ पैसे, चेन बेच करके कुछ पैसे जो इन्हें मिले थे पर्स में, वो इन्होंने खर्च कर दिए हैं। कुल 7100 रुपये बरामद हुए हैं। दो एंड्राइड फोन, एक R15 यामा मोटरसाइकिल, ये चीज़ें बरामद हुई हैं और ये अभियुक्त इसमें एक का नाम है गप्पू राय, दूसरा हर्ष पांडे, दोनों की उम्र 22-23 साल है। ये बेसिकली रहने वाले कानपुर के हैं और दिल्ली में रहते हैं और कभी कभार कानपुर आकर इस तरह की वारदात करते हैं। सर, जो ये वाहन इस्तेमाल करते थे, खुद का वाहन था, यही चोरी का ही वाहन था? ये वाहन तो इन्हीं का ये वाहन इन्हीं का है और ये इस तरह की घटनाएं पहले भी फजलगंज थाने में भी इन्होंने दोनों ने मिलकर फजलगंज में भी दो लूटे करी। घटना के पीछे इनका मोटिव क्या था? मोटिव इनका बस पैसा था, पैसा लूटना था, कुछ जो भी हाथ आ जाए। इनका कहना है कि इन्हें रेंट चुकाना था, पैसे नहीं थे तो इसलिए वारदात कर दी। आपराधिक इतिहास, अभी दो क्राइम इनका मिला है जिसमें दोनों ने एक साथ फजलगंज में दो लूटे करी थी, अभी वो प्रकाश में आया, बाकी छानबीन की जा रही है।